This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in the description. Assalamualaikum everyone, this is me Syed Maz Gilani और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल Maz Electronics। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बना के दिखाने वाला हूँ जो आज तक की पूरी YouTube कम्युनिटी में पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी चीज़ किसी ने बनाई होगी। दोस्तों आपको पता है कि आप लोग 5 वोल्ट लेने के लिए 12 वोल्ट से जो है 7805 या 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हो। ये वोल्टेज रेगुलेटर एक तो छोटे से छोटे साइज़ में भी आ सकता है और बड़े से बड़े साइज़ में इतना साइज़ ही मिलता है मार्केट के अंदर, जो कि पाकिस्तानी प्राइस में 10 से 15 रुपए में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो अगर हमें जो है बड़ा 7805 बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और उसको किस तरह बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज मैंने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा 10 एम्पीयर का बिगेस्ट 7805 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और उसके बाद ये देख सकते हैं कितना छोटा है, कितना ज्यादा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी बनी है और आप देख सकते हैं आज मैं बनाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा 7805 10 एम्पीयर के अंदर, जो कि 10 एम्पीयर का लोड आराम से उठा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इस 7805 को बनाने के लिए हमें स्पॉन्सर किया है JLCPCB ने। JLCPCB ने हमें भेजी है इनके सबसे हाई क्वालिटी PCBs जिसके ज़रिए हम अपना 7805 की मुकम्मल जो है फिटिंग करेंगे। तो 7805 की जो सर्किट है वो इस PCB के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है और ये PCB आप जो है JLCPCB से ऑर्डर कर सकते हैं अपने जो है $2 के अंदर, $5 के अंदर, मुख्तलिफ जो है प्राइसेस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ JLCPCB का, वहां से चाहे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा और अपने लिए कोई भी PCB डिजाइन करवा सकते हैं। तो थैंक यू JLCPCB इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। तो अब बारी आ चुकी है इस 7805 को बनाने की, कि इसको बनाने के लिए मैंने किस किस सामान का इस्तेमाल किया है, किस तरह बनाया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो अब टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं 7805 को बनाना। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू हाउ टू ऑर्डर योर PCB फ्रॉम JLCPCB.com। यू हैव टू गो at JLCPCB website and you can see that you can press this instant quit and off button, and here is the page of where you can check your PCB parameters like dimensions, layers and PCB quantities and other parameter you will add according to your need. And after you done, you can add your gerber file, and after gerber file you can add your shipping address and save to cart. When you save to cart your PCB, you can secure to check out from this website. तो दोस्तों एक हफ़्ते बाद ही फ़ौरन मुझे जो है डिलीवरी मेरे तक पहुंच गई और आप देख सकते हैं पैकिंग के अंदर जो है हमारी PCBs आ चुकी हैं। जैसे मैंने ऑर्डर करने का तरीका बताया वैसे ऑर्डर कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे मैं इसको बॉक्स से निकालता हूँ आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी कमाल की है PCBs होंगी। और साथ में जो है इसकी बैक साइड पर आप देख सकते हैं कितने कमाल के लोगो जो हैं प्रिंट हुए हैं। JLCPCB का लोगो है, हमारा लोगो है, और फ्रंट पर शोल्डर मास्क, सिल्क लेयर वगैरह देख सकते हैं कितनी कमाल की फिटिंग हुई हुई है, और सारे अलाइनमेंट देख सकते हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर की है मेन हुई हुई है। उसके बाद यहाँ पर मजबूती देख सकते हैं PCB के अंदर कितनी ज़्यादा है, और टोटली जो है प्रोफेशनल PCB लगती है। और इसके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेटर SMD में 78M05 जो कि 5 वोल्ट 0.5 एम्पीयर का है। तो मैं 20 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए 0.5 के हिसाब से 20 अगर लगाएंगे तो कम से कम 10 एम्पीयर तक का आपका ये 7805 बनेगा। इसके लिए मैं जो है सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लिक्विड सोल्डरिंग पेस्ट होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप इसको हीटेड प्लेट के ऊपर रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक पिघल जाती है और आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं SMD वो आपके PCB के ऊपर अच्छे तरह फिट हो जाते हैं जैसे कि कंपनी के फिटेड होते हैं। तो ये जो मैं हीटिंग प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मोबाइल के टच पैनल को गर्म करने वाली हीटिंग प्लेट है, हीट है या मशीन जिसको आप कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हीट
हीट मिलती है 300-350 डिग्री तक, जिससे जो हमारी पीसीबी गर्म होगी। और पीसीबी के ऊपर मैं रख दूंगा कंपोनेंट्स बगैर सोल्डरिंग किए हुए, तो जैसे ही पीसीबी गर्म होगी तो जो सोल्डर पेस्ट या सोल्डर मास्क ये पे हमने लगाया हुआ है लिक्विड में, वो जो है गर्म होगा, उससे जो है हमारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे सोल्डर हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं जो इसके ऊपर अपने 78M05 जो है इसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो टोटल जो है मैं 20 पीस इसके अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप जितने मर्ज़ी एम्पेयर का बनाना चाहें वो बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसके अंदर जो है हूँ जो 10 एम्पेयर तक का बना रहा हूँ, तो आप 10 एम्पेयर में भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा का बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो अब जो है मैं अपनी जो है पीसीबी के ऊपर 78M05 रखने के बाद इसको जो है पावर ऑन कर देता हूँ। पावर होने के बाद आप देखेंगे जो शोल्डर मास्क जो है या शोल्डर फ्लक्स या शोल्डर पेस्ट जो है हमारी, वो जो है पिघलना शुरू हो जाएगी। और जब ये हमारी पीसीबी फुल हीट हो जाएगी तो ये सोल्डरिंग जो है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह पिघलना स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं कुछ अलाइनमेंट कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिक सारे के सारे कंपोनेंट जो है सीधे हो जाएंगे जैसे ही फुल जो है गर्म होगी हमारी सोल्डरिंग पेस्ट। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैं जो हूँ हीटेड प्लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वोल्टेज रेगुलेटर जो है गर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं और सारी की सारी सोल्डरिंग हो चुकी है। और आप देख सकते हैं सारे के सारे कंपोनेंट जो है आराम से जुड़ चुके हैं। इसके लिए मैंने किसी भी काये का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पीसीबी को नीचे से गर्म किया है और हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स फिट हो चुके हैं पीसीबी के ऊपर। तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कोई चीज़ लूज़ वगैरह ना हो, और उसके बाद इसको फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के लिए हमें इसकी बैक साइड पे एक जो है मोटी शीट लगानी होगी ताकि इसकी हीट बाहर आ सके। उसके लिए आपको पता है कि एल्युमिनियम की या स्टील की प्लेट लगा सकते हैं, तो मैं इसके अंदर स्टील की प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टील की प्लेट को काट के मैं जो इसकी फिनिशिंग कर दूँगा और उसकी जो है कॉर्नर जो है मैं मोड़ दूँगा, जिससे जो है ये एक 78M05 जो रेगुलेटर आता है मार्केट में उस तरह का दिखेगा और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो मैं इसको एंगल ग्राइंडर की मदद से जो है इसके कॉर्नर जो है राउंड कर दूंगा। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से राउंड हो रहे हैं। उसके बाद हमने जो है ड्रिल मशीन से इसके अंदर सुराख वगैरह कर देने हैं, ताकि ये जो है सुराख के अंदर जो है कोई नट वगैरह लगा कर भी इसको लगा सकें, जिस तरह एक असल 78M05 के अंदर होता है। आप देख सकते हैं मैं सुराख कर रहा हूँ इसके अंदर स्टील की प्लेट के अंदर, और ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर सिल्वर पेंट कर दूंगा, और उसके बाद हमने जो अब इसकी फिटिंग स्टार्ट करनी है। आप देख सकते हैं 78M05 की मैंने ऊपर वाला केस भी बनाया हुआ है, जो कि मैंने बनाया हुआ है 3D प्रिंटर से। इसके ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखा हुआ है। अब इसकी प्लेट के ऊपर जो है मैं सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो फिट कर देंगे, और इन कंपोनेंट्स को जो है हमने हीट श्रिंक, हीट स्लीव जो है, या सिलिकॉन ट्यूब जो बल्कि होती है बल्कि उसके साथ जोड़ देना है। और आप जो है इसके लिए एल्फी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी लेग्स के लिए मैं जो हूँ कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कॉपर वायर जो वाइंडिंग वाली तार जिसको हम कहते हैं, वो मोटे साइज़ में 5 mm में मैं इस्तेमाल करूँगा। नीचे टेप लगा रहा हूँ ताकि जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। या आप देख सकते हैं मैं इसको जो है कॉपर वायर की जो है एक साइड को अच्छी तरह रगड़ रहा हूँ, ताकि हम इसके ऊपर सोल्डरिंग कर सकें और अपनी पीसीबी के ऊपर चिपका सकें। तो आप कोई भी इसके साथ वायर वगैरह अटैच कर सकते हैं मोटी, तो मैं 5 mm वाली जो है कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हम इसके ऊपर लगाने से पहले इसकी पीसीबी के ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे तीनों के लेग्स को, क्योंकि एक लेग जो होगी वो जो है वोल्टेज इन की होगी, जहाँ पर 12 वोल्ट इन होंगे, दरमियान वाली ग्राउंड होगी, और एक जो है 5 वोल्ट आउट होगी। तो 3 लेग्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगी जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसकी सोल्डरिंग कर दी है, और उसके बाद इसके जो केस है उसको भी फिट कर देना है, और हमने RTV ग्लू या सिलिकॉन ग्लू से यू लगा कर जो है हमने इसको फिट कर देना है अपने स्टील प्लेट के ऊपर, ताकि ये ओवरहीट ना हो। तो ये आ चुकी है RTV ग्लू, आप देख सकते हैं इसको मैं अटैच कर दूँगा, कुछ सुपर ग्लू और एल्फी का भी इस्तेमाल करूँगा, और उसको यहाँ पर अच्छी तरह अटैच कर दूँगा। नीचे टेप लगाई हुई है ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, और इसको अच्छी तरह अब फिट कर देंगे। अब देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी लुक जो है बन रही है हमारे 78M05 की। तो जिस तरह ये छोटा असल साइज़ में दिखता है 78M05, ये तकरीबन वैसा ही शेप में दिखेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है जोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और अब ये हो चुका है जी हमारा फाइनल। और फाइनल लुक आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ।
तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा 3805। मैंने इसको कर लिया मुकम्मल रेडी, वीडियो में देखा आपने, मैंने मुकम्मल इसको फिट कर लिया, इसकी प्लेट वगैरह काट के इसकी बैक साइड पे लगा ली है मैंने, और इसका 3D प्रिंटर से इसका फ्रंट कवर बनाया जिसके ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा कलरिंग कर दिया व्हाइट कलर में ताकि खूबसूरत लगे। उसके बाद इसके साथ मैंने जो है मोटी 5 mm जो है जो कॉपर वायर है जो कि होती है वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल, वो अटैच कर दिया ताकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी इन है, ये ग्राउंड है, ये आउट है, जिस तरह एक आम 3805 के अंदर होती है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये है जी ओरिजिनल जो कि मेरे है लेफ्ट हैंड में, और ये है जी असल जो है हमारा बनाया हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है एक छोटे 3805 में और एक बड़े 3805 में, दोनों के अंदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है साइज़ का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा 3805 है, मुझे नहीं लगता पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में इतना बड़ा 3805 किसी ने बनाया होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, और अब बारी आ चुकी है इस 3805 को टेस्ट करने की कि आया ये जो है काम भी करता है नहीं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये है कि अगर आप ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जहां पर 10 एम्पीयर से तक की जो है पावर की ज़रूरत है, या उतने जो है लोड की आपने कोई भी प्रोडक्ट लानी है, तो उसके लिए बड़ा 3805 यूज़ कर सकते हैं बजाय इस छोटे को यूज़ करने के। तो इसको आप जो है एक बार चला कर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बारी आ चुकी है इसको टेस्ट करने की। टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा ली है 12 वोल्ट की सप्लाई। अगर मैं उसके 12 वोल्ट सप्लाई के वोल्टेज चेक कराऊँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 12 वोल्ट शो होंगे, और मैं इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो वोल्टेज शो हो रहे हैं ये 12 वोल्ट शो हो रहे हैं, इसका मतलब 12 वोल्ट इन दे रहे हैं। अगर मैं ये ग्राउंड जो है 3805 के साथ अटैच कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है हमारे डाउन हो जाते हैं और ये 5 वोल्ट पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं 5.0 कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा 3805 बेहतरीन काम कर रहा है। अभी इसके साथ कोई मोटर वगैरह या कोई चीज़ चला के देखते हैं आखिर ये कुछ सी चीज़ का लोड भी उठा रहा है या नहीं। तो अब बारी आ चुकी है जी इसको मोटर टेस्ट करने की। तो मोटर मैं इसके साथ अटैच करता हूँ, तो मैंने इसके जो है 5 वोल्ट ज़रा इसको कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट हो चुके हैं। अब मैं जो इसको मोटर के साथ अटैच कर रहा हूँ, वाओ दोस्तों आप दोबारा देख सकते हैं इसके अंदर जो है, ताकि आपको लगे कि मैं कहीं 12 वोल्ट पे अटैच ना करूं, इसलिए मैंने मीटर भी लगाया हुआ ताकि आपको वोल्टेज का भी पता चलता रहे। तो आप देख सकते हैं मैं दोबारा चलाने लगा हूं, 5 वोल्ट आ रहे हैं, और हमारी मोटर बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है इतनी स्पीड में कि इसके एम्पीयर इसको पूरे मिल रहे हैं, और ये 5 वोल्ट पे चल रही है इसको जो है 3805 हमारा बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा, और बेहतरीन तरीके से ये मोटर चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसके ऊपर 10 एम्पीयर का लोड आसानी से चल सकता है। तो लीजिए दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको ये दुनिया का सबसे बड़ा 3805 देखकर जो है बड़ी हैरानी हुई होगी आखिर इतना बड़ा 3805 किस तरह बन गया है, और इसको बनाने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया सामान सारा मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। अगर आपने मुकम्मल देखे तो आपको ये बनाना भी आ गया होगा कि इसको बनाने में क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी पीसीबीज बनवाना चाहते हैं GLC PCB को जरूर जो है विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों जो है इस तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और उसको कमेंट में बताना ये 3805 इतना बड़ा आपको कैसा लगा है। तो नई वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह, नए से नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे। तो इस तरह ही जो है दो में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।